अरे बंटी बंटी ए का भाई ओ सीढ़ी काई सोनी जरा जल्दी आ, मैं कह रहा हूं सुन, लड़के वाले आ रहे, तू अंदर जाके खाने पीने का आइटम देख सब ठीक ठाक है या नहीं, और टेबल पे अच्छा सा कपड़ा बिछा दियो, समझ रहा है? तुम भी कछु कपड़ा बिछा लो। बंटी हाय, कैन यू ब्रिंग मी एन एस्प्रेसो? यार कभी एक्सप्रेस भी कर दिया कर, हमेशा एस्प्रेसो मांगती रहती है, तेरे चक्कर में ना देख नौकर बना फिर रहा हूँ मैं पूरे घर में। तो यार कर लेना थोड़ा सा काम, गिर तो जाएगा नहीं तू। तेरे प्यार में ही कर रहा हूँ बस, देख ले। बंटी क्या कर रहा है तू तितली के साथ बकवास, जाके देखना खाने पे के इंतजाम कैसा है। तितली बेटा ये बता सीपी रेडी हो गई या नहीं? हाँ जी अंकल जी ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा चलो ये अच्छा लगता है, लड़के वाले आ गए हैं। सैफी और क्या नाम है, सैफू यार, हाँ सैफ। ओहो कैसा नाम रखा है इस औरत ने, जब भी इसका नाम लो जल्दबाजी में जबान पे तैमूर के पापा का नाम आ जाता है। का है गो, हाँ काई चिचिया रे, छोरी के तैयार कर रही हूँ ना। अरे लड़के वाले आ गए भाई है? एसीपी जल्दी आ जा, छोरा आ गो। अरे बेटा सीपी एक बार तू ऐसे खाली हाथ जाएगी क्या लड़के के सामने, ये बता। तो का छुरा दे दूं हाथ में? देख तू इस टाइम पे ना ये छोरा और तमंचे की बात मत किया कर। हाँ मम्मी, लास्ट टाइम जो लड़का मुझे देखने आया था ना, और जोरावर मामा भी यहीं पे थे, पता है उन्हें देख के वो बेहोश हो गया था, और जब वो होश में आया था ना तो पता चला कि बदायूं टू बबराला वाली जो बस थी ना उसके बीच में जो मामा लूटपाट मचा रहे थे उसमें उसके मम्मी पापा और वो भी थे। ऐसी है तेरी फैमिली, डकैत। But I love you. Excuse me. राजकुमार, मम्मी जैसे बचपन में आप मुझे वो राजकुमार वाली कहानियां सुनाती थी ना, एकदम राजकुमार जैसा लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही। ओह माय गॉड मम्मी, बिना किसी शक के मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मुझे ये पसंद है। बहन जी मैं उनका ड्राइवर हूँ, साहब बाहर हैं। By God. इतनी बार कही तो से, हाँ? इतनी उतावली ना हुआ कर। ड्राइवर जी ये बताइए साहब आ गए क्या? जी हाँ साहब आ गए, उन्होंने ही मुझे भेजा है पूछने के लिए, वो अंदर आ जाए। अरे अंदर आने के लिए तो आए हैं, जाओ जाके उन्हें बुला लो, जल्दी से बोलो कि अंदर आ जाए वो। ओके जी। एक मिनट जा भैया, राहु काल चल रहा है, एक मिनट अभी। अच्छा एक काम करो, दो मिनट में उन्हें लेके आना, तब तक उन्हें बुलाने जाओ, जाओ धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे थोड़ा और धीरे धीरे भाई। बेटा समय काल और नक्षत्र पूछ के करना बेटा है। चले खा ले। अरे भूखी प्यासी ब्याह करेगी? ऐसे कैसे भूखी प्यासी ब्याह करेगी, हमारी बेटी है, पेट भर के और पूरी अच्छी तरीके से करेगी। बेटा ले एक नवाला तो मेरे हाथ से खा ले बेटा, फिर नक्षत्र निकल जाएगा तो भूखी रह जाएगी, खा ले मेरा बच्चा। अच्छी बच्ची है मेरी, और खा लियो। नल्ले अंकल, आई मीन नन्ने अंकल। क्या भाई? मैं आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। बेटा अभी घर छोड़ के नहीं जा रही हम लोग। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी। आई मीन टू से कितनी अच्छी किस्मत है मेरी कि आपने उस लड़के से मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। यू नो व्हाट, आई डिड नॉट लाइक दैट गाय एट ऑल। बेटा ये बता कि चाह क्या रही है आप?
आपको बनाना चाहती हूँ। क्या? I mean, आपको एक्टर बनाना चाहती हूँ मैं। मुझे? एक्टर? बेटे एक्टर बनाना चाह रही है, बेवकूफ बनाना चाह रही है। कोशिश कर रही हूँ ना। मेरा मतलब है कि आपको पता नहीं है शायद, लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ा एक्टर छुपा पड़ा है। बहुत बड़ा एक्टर छुपा हुआ है, बहुत बड़ी एक्टिंग करके मुझे बेवकूफ बना के मुझसे शादी की, फ्रॉड मैरिज। चुप हो जाए, बात कर रही है। हाँ, नहीं ठीक है ठीक है, जोक सब पार्टी है, मजाक वजाक छोड़िए, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, यू आर अ ग्रेट एक्टर, अमेजिंग। बेटा तुमने कहाँ देख ली मेरी एक्टिंग, कौन से मल्टीप्लेक्स में देख ली? अरे मल्टीप्लेक्स में नहीं, ये ड्यूप्लेक्स में हर रोज देखती हूँ। थोड़ी बहुत एक्टिंग की है, हीरो के पीछे खड़े होके ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे थे जैसे 3-4 दिन से पेट साफ नहीं हुआ, स्टूल प्रॉब्लम। अबे यार कैसी बात कर रही है यार तू, हैं? क्यों मीटर तेज कर रही हो पापा? क्या हो रही है ये मम्मी? अरे ये बोल रही कि इसको मेरे अंदर बड़ा अच्छा एक्टर दिख रहा। लो मम्मी सुन लो, इस मामले में भी घटिया चॉइस है इसकी। बिल्कुल सही कहा, आई ऑफ बुल। ओह माय गॉड, अब मेरी बात सुनिए, आपका खुद का बेटा और ये आपकी धर्मपत्नी, नन्हे ख्याल रखते हैं आपके लिए। ओह माय गॉड। ए ए आ प्राइम पेट्रोल, मेरे परिवार में आग मत लगा तू। तू चुप कर जीजा गेंगा, एक कलाकार का गला घोट रहे तू बेशरम। पापा हम बाप बेटों के बीच में दुश्मनी का बीज बो रही है ये। बेटा मुझे क्या लग रहा है कि बच्ची सही बोल रही है। बच्ची नहीं लुच्ची है ये, शैतान की खाला ही है। You shut up. Don't listen to him. You come here. You listen to me. ये जो आपके फ्यूचर का ट्रक है ना, उसका स्टीयरिंग अब आपके हाथ में है। जाओ जाओ इसे घुमा दो। And you know, there's no harm in pursuing your future in acting. It's never too late. You know what I mean, Nanya uncle? Yeah. Yeah. Better. इसकी बातों में आ मत जाना, बेच खाएगी ये। ट्राई तो करके देखे, इन्हें कोई ना खरीदने वाला है, डिफेक्टिव पीस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।